हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ टैली का कुछ शॉर्टकट की। यानी अगर आप टैली पे वर्क करते हैं एज पर, जैसे अकाउंटेंट का जॉब करते हैं या CA लेवल के कुछ काम करते हैं, आपको टैली पे वर्क करना पड़ता है, तो उस केस में आपको ये वीडियो काफ़ी ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये शॉर्टकट की जो मैं बताऊंगा आज, उस शॉर्टकट की से आपकी काम काफ़ी ही आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको शॉर्टकट की बताने वाला है वो है Alt F3। अब ये Alt F3 के क्या काम है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। जैसे ही मान लीजिए आप टैली ओपन करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक कंपनी ओपन मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ 3, 4, 5 कंपनी को ओपन करके आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूँ और मेरे को 4-5 कंपनी का अकाउंट देखना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें 4-5 कंपनी जो है उसको ओपन करके रखना पड़ता है, और टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ती है उस कंपनी में हम वर्क करते हैं। तो एक वही मैं बताऊँगा कि एक बार में आप टैली में दो दो तीन तीन कंपनी को कैसे ओपन करके वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी डेबिट टैली पे टैली इस तरह से ओपन करेंगे, आपका एक कंपनी ओपन मिलेगा। अगर मान लीजिए ये भी कंपनी ओपन है और दूसरा कंपनी भी ओपन करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको प्रेस करना है Alt F3 गेटवे ऑफ टैली पे। Alt F3 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह से सिलेक्ट कंपनी का बॉक्स खुलेगा। इसमें से आप जो भी कंपनी आपको ओपन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तो वो दूसरी कंपनी भी ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ABC लिमिटेड कंपनी है, पहले जो था एशिया मोटर वर्क का। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए ABC लिमिटेड ऊपर दिख रहा है, तो यानी आप ABC लिमिटेड में जो भी वर्क करना है आप आराम से इसमें वर्क कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ABC लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, एकदम से मेरे को याद है कि नहीं मेरे को एशिया मोटर वर्क में कुछ बिल चेक करना है, तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली यहाँ पे फिर गेटवे ऑफ टैली पे Alt F3 प्रेस करना है, ठीक है। क्या करना है? Alt F3। Alt F3 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा सिलेक्ट कंपनी। जैसे कि ये देखेंगे सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे फिर आएंगे और एशिया मोटर वर्क जिस कंपनी को ओपन करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो देखेंगे एशिया मोटर वर्क ऊपर आ गया। यानी अब एशिया मोटर वर्क में कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो ये है पहला शॉर्टकट की आप चाहें तो एक साथ कितनी भी कंपनी को टैली में एक बार में खोल सकते हैं और उस पर आराम से टाइम टू टाइम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला शॉर्टकट की है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शॉर्टकट की है Alt C, ठीक है। अब Alt C का क्या उपयोग है इसका भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मैं ABC लिमिटेड कंपनी है, इसमें मेरे को कुछ इनवाइस बनाना है। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने इनवाइस बना हुआ, अब अगला मेरे को एक इनवाइस बनाना है, और इनवाइस जो बनाना है एक नई कंपनी का बनाना है जो कि मेरे पास वो पहले से लेजर उसका क्रिएट नहीं है, आइटम क्रिएट नहीं है। तो उस केस में जैसे ही हम सेल वाउचर खोलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पार्टी नेम में सिलेक्ट पार्टी जब करेंगे तो यहाँ पर आपका नई पार्टी है, इसलिए यहाँ पर पार्टी का नाम शो तो नहीं होगा लेजर में। आप यहाँ पर सिंपली क्या करना है उसके लिए Alt C करना है, ठीक है। आपको बार बार गेटवे ऑफ टैली पर जाके लेजर क्रिएट में जाके वहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं करना है, यहीं पे आपको Alt C प्रेस करिए, आपका लेजर क्रिएट करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना जिस भी कंपनी के नाम से आपको लेजर बनाना है यहाँ पे लेजर डालिए, और उसके बाद किस हेड में जाएगा, सैंडी डेबिटर्स में जाएगा, वहाँ पर सैंडी डेटर्स सेलेक्ट करिए, एड्रेस सेलेक्ट करिए, और पार्टी का जो भी GST नंबर है GST नंबर डालिए, देन उसके बाद सिंपली आपको Ctrl A के साथ इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद इसी तरह से आपको मान लीजिए सेल लेजर सेलेक्ट करना है, सेल लेजर सेलेक्ट करिए अगर बनाए तो, ठीक है, नहीं तो Alt C करिए, आराम से बनाइए यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है आइटम, अगर मान लीजिए आइटम मेरे को कोई नई आइटम का मेरे को बिल बनाना है और लेजर उसका पहले से क्रिएट नहीं है तो क्या करना है? अब आपको बार बार आपको इन्वेंटरी में जाके आइटम क्रिएट में नहीं जाना है, आपको यहीं पर ऑल्ट सी करिए, सिंपली सिंपली यहाँ पे यहाँ पे आप आप आइटम का नाम डालेंगे, यूनिट डालेंगे, पर पीस है, KG है, जो भी होगा वो डालेंगे। GST डिटेल्स में आपको यस करना है और यहाँ पे अपना GST का जो भी डिटेल है वो डालेंगे कि टैक्स कितने परसेंट है, HSN कोड क्या है वो डालेंगे, और इस तरह से इसको आप सिंपली सेव करके इस तरह से आइटम का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि Alt C का प्रयोग करके आप कहीं भी किसी भी वाउचर में आप Alt C का प्रयोग करके किसी भी लेजर को आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बार बार आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाके लेजर क्रिएट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने इन्वेंट्री की बताया कि आपको अगर आइटम की ज़रूरत पड़ती है, कोई नई आइटम का बिल बना रहे हैं और आपके लेजर नहीं क्रिएट है, तो उस केस में आपको गेटवे ऑफ टैली आपके इन्वेंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप सेल वाउचर में ही आप Alt C करिए आइटम की जगह, और वहाँ पर लेजर आप आइटम का क्रिएट कर सकते हैं। तो ये Alt C काफ़ी यूजफुल है, जो कि हमारे लिए काफ़ी
काफ़ी इससे हेल्प मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो दूसरा मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो है कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर का क्या उपयोग है इस वीडियो में आगे मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी स्टेटमेंट निकाले हैं किसी पार्टी का और उसमें से आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि मेरे को हाइड करना है, मेरे स्टेटमेंट में ना है। अगर मान लीजिए एशिया मोटर वर्क्स का यहाँ पे देख रहे हैं और मेरे को इसका स्टेटमेंट भेजना है और मैं चाहता हूँ कि ये क्रेडिट नोट जो है इसको मैं हाइड कर दूँ और उस पार्टी को एशिया मोटर वर्क्स को ये क्रेडिट नोट उसको ना दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको जो स्पेस बार होता है उससे एक एक करके आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल आर करके उस तरह से आपको कंट्रोल आर करेंगे तो वो आपका जो ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट नोट वाला हाइड हो जाएगा। और अगर उसको अनहाइड करना है तो कंट्रोल यू से करिए, आप आराम से उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंट्रोल आर और कंट्रोल यू के उपयोग करके आप किसी भी ट्रांजेक्शन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए कंट्रोल आर के यूज करें और कंट्रोल यू का यूज करेंगे अनहाइड करने के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेटमेंट में या कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि आपको उसका प्रिंटआउट निकालते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं और उसको आपको हाइड करना है तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ आपको वो शॉर्टकट की है स्विफ्ट प्लस इंटर। अब ये स्विफ्ट प्लस इंटर का क्या उपयोग है मैं आगे आपको ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरे को ये ट्रांजेक्शन है जो एशिया मोटरवर्क्स का बिल वगैरह क्रेडिट नोट वगैरह पेमेंट वगैरह सारे चीज़ दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसे सेल है, सेल का भी डिटेल मेरे को टैक्सीबल अमाउंट क्या था, टैक्स का अमाउंट क्या था और जब स्टेटमेंट निकालूँ तो उसमें सारा चीज़ अलग अलग शो हो। तो सिंपली अगर मान लीजिए इसके स्टेटमेंट निकालेंगे तो इसमें सिंपली आपको बिल दिखेगा, बिल का अमाउंट दिखेगा, डेट दिखेगा बस। लेकिन अगर मेरे को इसका पूरी डिटेल निकालना है कि मेरे के जो बिल है जैसे मान लीजिए बिल ABC4 है इसमें टैक्सीबल वैल्यू क्या है, टैक्स की अमाउंट क्या है, ठीक है, ये सारे चीज़ विथ नरेशन के साथ में मेरे को स्टेटमेंट निकालना है तो वो चीज़ कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन को आपको स्पेस बार से जो स्पेस होता है स्पेस बार की बटन होती है कीबोर्ड में उससे आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा उसका डिटेल ओपन हो जाएगा कि आपके जो इनवाइस नंबर ये है ABC4 में आपकी टैक्सीबल अमाउंट क्या था और उस पर टैक्स क्या था, ठीक है। इस तरह से उसके नाइजेशन क्या था, नाइजेशन में आपने क्या डाला था स्टेटमेंट में, वो सारी चीज़ आपको जब इसकी स्टेटमेंट निकालेंगे तो ये आराम से आपको दिखेगा। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको स्पेस बार से सारे डिटेल को सिलेक्ट करना है देन उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करना है एक साथ, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट जब इसकी देखेंगे प्रीव्यू करके तो आप यहाँ पे आराम से देखेंगे कि जो मैंने स्टेटमेंट इसमें निकाला है इसमें आपको टैक्सीबल वैल्यू भी दिख रहा है, उसमें IGST कितना था, उस पर नाइजेशन क्या था, ठीक है। एक एक करके इसमें आपको स्टेटमेंट में सारे चीज़ क्लियर बाई क्लियर दिखता रहेगा। तो ये उपयोग आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप भी किसी को स्टेटमेंट देना है और उसमें आपको सारे डिटेल देना है कि हमने चेक नंबर क्या था जो पेमेंट आया था उसमें चेक नंबर नाइजेशन में क्या डाला है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई सेल किया उसमें टैक्सीबल अमाउंट क्या था और टैक्स का अमाउंट क्या था, तो इस तरह से आप उसके स्टेटमेंट आप इसका शॉर्टकट की का उपयोग करके इसका स्टेटमेंट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखेंगे ये स्टेटमेंट मैंने निकाला ना, इसमें देखेंगे साफ साफ आपको दिख रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट क्या है, इसमें नरेशन भी दिख रहा है कि नरेशन में हमने क्या डाला है, अगर नरेशन नहीं डाला तो नहीं दिख रहा है और जिसका नरेशन हमने डाला है उसका नरेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करके इसका आप वर्क कर सकते हैं, ये काफ़ी यूजफुल है और ये ज़रूरत पड़ते रहता है क्योंकि हम अकाउंट का जॉब करते हैं तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के सामने ये चीज़ शेयर करूं। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आप लोगों के शॉर्टकट की क्या ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो कितना आप लोगों के लिए यूजफुल है, ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों जो अगला जो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो अगला आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट की है ऑल्ट एक्स। तो ऑल्ट एक्स के क्या उपयोग है मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई भी इनवाइस है, जैसे मान लीजिए मेरे इनवाइस कुछ बनाया है और इसमें से मेरे को कुछ इनवाइस कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने का मतलब अगर ऑल्ट डी करके प्रेस करेंगे तो इनवाइस डिलीट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी इनवाइस नंबर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे जो सीरियल नंबर है वो उल्टा सीधा हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, मेरे को इनवाइस नंबर ये कैंसिल करना है बीच का, जैसे कैश का है ये मेरे को कैंसिल करना था, कैसे करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे सिंपली और यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट
एक्स, जैसे ही ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे आपका इनवाइस इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप, ये कुछ मैंने शॉर्टकट की बताया है, इसका उपयोग आपके करके आप अपने काम को काफ़ी सहज और सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।